इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे कि हम भारत को विकसित भारत कैसे बनाएं, सुशासन को और तेज गति से कैसे लाएं, विकास की गति को हम कैसे बढ़ाएं, यही हमारे मुद्दे रहेंगे। बाकी विकास और सुशासन में विकसित बीकानेर भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। पहली बार ऐसा माहौल बना है पॉलिटिक्स का, भयंकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब में गुस्सा एक ही है कि अर्जुन राम जी एक भी दिन बीकानेर की समस्या के लिए नहीं बोले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है, गांव में भयंकर विरोध हो रहा है, वीडियो आप देख रहे हैं और वो एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जब 15 साल में आप एक भी दिन आप जो है हमारे बीच में आए नहीं, समस्या उठाई नहीं, पार्लियामेंट में बोले नहीं, वोट किस बात का। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सियासी रन। और सियासी रन में हम हमारी सीरीज के तहत हम शुरू करेंगे और आज से शुरुआत करेंगे हम बीकानेर से। बीकानेर वह क्षेत्र है जो दुनिया में अपनी पहचान रखता है, खासकर मिठास और नमकीन दोनों के लिए। रसगुल्ले और वहां की भुजिया बड़ी फेमस है। और दूसरी बात करें तो बीकानेर का सामरिक महत्व भी बड़ा है, वहां जिप्सम भी होता है, कपास भी उस क्षेत्र में होता है, तो बड़ी उपलब्धि है और हॉट सीट है। और वहीं से हम आज शुरू कर रहे हैं। हॉट सीट इस नाते है कि अर्जुन मेघवाल 3 बार सांसद, 2 बार केंद्र में राज्य मंत्री, और बीजेपी का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद पहली बार किसी सरकार ने दलित को विधि मंत्री बनाया है। जब भी किसी मंच से बात आती है तो ये बात जरूर आती है सामने। कांग्रेस से बीजेपी से ही निकले हुए हैं गोविंद मेघवाल, जो पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उस क्षेत्र में, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लंबा उनका सियासी सफर है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे टेक्स्ट के जरिए। आप देखेंगे कि वहां पे 17 चुनाव हो चुके हैं, अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव है और 4थी बार के लिए ताल ठोक रहे हैं अर्जुन मेघवाल। 5 बार करनी सिंह, 6 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा, ये एक वहां का चुनावी सफर रहा है। अगर जाति समीकरणों की बात करें तो सर्वाधिक वहां एससी हैं, जाट हैं, विश्नोई हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये वहां का। बाकी अदर कास्ट जो हैं, नाई है, खाती है, कुछ लोहार हैं, ये कुछ इस तरह की जो जातियां हैं वो भी हैं। लेकिन मेघवाल वर्से मेघवाल, और अगर वहां एससी के वोट की भी बात करें तो मेघवाल सर्वाधिक है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और टेक्स्ट के जरिए हम आपको दिखाते भी रहेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेखावत जी भाजपा से जुड़ चुके हैं, प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ अभी कांग्रेस से जुड़ेंगे। मैं आपके पास में आना चाहूंगा सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है अभी आपको, ये चुनाव है अगर यूं बात करें तो 14 तारीख को अमित शाह जी आएंगे वहां पे, इससे पहले राजनाथ सिंह जी, जयशंकर जी प्रेस ब्रीफिंग करके जा चुके हैं। पिछली बार की बीजेपी के आपके कद्दावर नेता राजपूत समाज में काफी पैठ रखते हैं देवी सिंह बाटी, उनकी नाराजगी की बात आ रही थी, लेकिन इस बार ये भी चर्चा है कि शायद उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन बीच में कुछ चर्चा जरूर उठी थी। यहां एक सवाल जरूर होगा मेरा आपसे कि गुजरात में राजपूतों की नाराजगी का सिलसिला इस ओर भी बढ़ता जा रहा है, उसका कितना असर है यहाँ पे? देखिए, राजपूत मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है और जिस तरह का बीकानेर लोकसभा का इतिहास रहा है, या मैं कहूं पूरे पश्चिमी राजस्थान का इतिहास रहा है, राजस्थान का इतिहास रहा है, राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है पिछले 50-60 साल में। और जब से मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हुई, जनसंघ के रास्ते भारतीय जनता पार्टी बनी और भैरव सिंह शेखावत अर्जुन मेघवाल जी ने 2,65,000 वोटों से जीता और हम उम्मीद करते हैं ना और ज्यादा बढ़ जी। निश्चित रूप से पिछले जो 15 साल में उनका उनका जो कार्यकाल रहा है, उनकी जो शैली रही है आमजन के बीच में, वो सर्वसुलभ है, सहज है, सरल है,
उनका सांसद सेवा केंद्र चलता है, हर आदमी के लिए उपलब्ध रहते हैं, उनका टेलीफोन उठता है और हर संभव लोगों के स्थानीय काम से लेकर राज्य स्तर के मसले हों और चाहे केंद्रीय मसले हों उनमें उनकी भागीदारी रहती है। तो हमारे उम्मीदवार का जो व्यक्तित्व है और जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उन दोनों के आधार पे मैं बड़े भरोसे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पिछली बार के मुकाबले एक बड़ी लीड लेते हुए ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। शेखावत जी, मैंने जो आपने खैर कहा कि नाराजगी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, गुटबाजी की बात सामने आती है कि गुटबाजी बीकानेर में अभी भी है। मैंने आपको पहले निवेदन किया कि अर्जुन मेघवाल जी ने पिछला चुनाव 265,000 वोट से जीता था जी, और मैंने ये भी कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि चाहे किसी तरह की गुटबाजी की बातें चलती रही हो, निश्चित रूप से जब अपोजिशन चुनाव लड़ता है तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं होते, तो इस तरह की बातें चलाने के लिए बातें होती हैं। आम आदमी, आम वोटर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हुआ है, जिस तरह का उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमारी मीटिंगों में, रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं और आम जन से जहां भी चौपाल पे, चाय की थड़ी पे, सड़क पे, पान की दुकान पे आप बात करेंगे तो ये बात निकल कर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और निश्चित रूप से सहज सरल सुलभ जो उम्मीदवार है हमारे, उस उम्मीदवार के व्यक्तित्व के कारण और पार्टी की आइडियोलॉजी के कारण एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रहलाद सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वहां पे स्थानीय मुद्दे के नाते मुंह बाए खड़े हुए हैं। वहां रेलवे क्रॉसिंग की बात कही जा रही है, भारतमाला पर जो प्रोजेक्ट है जामनगर से जो पंजाब के लिए जुड़ा है उसके लिए भी ये कहा जाता है कि उसमें भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे क्या है। आनन फानन में से शुरू किया गया, क्योंकि जिस दिन नामांकन हो रहा था उस दिन भी इस बात को लेकर के चर्चा की, गोविंद मेघवाल की सभा में इस बात को मुद्दा बनाया गया था। सीपीएम, एक बड़ी बात यहाँ पे ये रहेगी कि गुजरात बीकानेर जो क्षेत्र है उसके अंदर सीपीएम का भी कुछ सीटों पर असर है। आपके बार गठबंधन है आरएलपी के साथ भी, सीपीएम के साथ में भी, तो ये जो गठबंधन है इसका कितना असर होगा ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है वहां, सेम की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है और इसी कारण से इसकी सामरिक दृष्टि से काफी महत्व है। और चलिए प्रहलाद सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस से। प्रहलाद जी स्वागत है आपका जन टीवी में। धन्यवाद। अभी आप थोड़ा सा विलंब से जुड़े, सुरेंद्र सिंह जी ने दावा किया है कि पिछले बार 265,000 प्लस थे और इस बार हम ये जो गैप है इसको और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी की ऐसी कोई कमी नहीं है, जनता में किसी तरह की नाराजगी नहीं है, काम किया है सहज भाव से, वो किसी से भी मिल सकते हैं, सांसद का जो एक यहाँ पे जन सुनवाई केंद्र है वो कंटिन्यू चलता है, किसी से भी मिलना सहज उनके लिए, तो यही सबसे बड़ा आधार है उनका। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक विकास की बात करें, रामपुरा का जो गूगल रोड में बाईपास फ्लोवर फ्लाईओवर जो है वर्षों से रुका हुआ पड़ा है, रेलवे के अंडरपास को अभी भी आधा अधूरा इन्होंने उद्घाटन किया, अभी भी वो बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है, वो योजनाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। सांसद के गोद लिए हुए जितने भी गाँव है उनकी दुर्दशा देखिए जा करके, गाँवों के अंदर ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज भी बॉर्डर के तमाम गांव और हमारी बहुतायत तहसीलों के जितने भी गांव है उनमें कनेक्टिविटी नहीं है, ना वहाँ नेटवर्क है। आप पानी की समस्या की बात करें तो आज भी पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या गांव में गंभीर बनी है। लून करंसर, डूंगरगढ़, खाजूवाला, भूगल, अनूपगढ़, बॉर्डर के ऐसे गांव है जहां पे फ्लोराइड का पानी आता है और पानी खरीद करके पीना पड़ता है, और जो जल मिशन योजनाएं और तमाम गिनाई जाती है उनका मुझे असर वहां दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जो पशुओं के लिए बात करें तो पशुओं के पीने की जो होदे बनी हुई थी उन होदों के ऊपर मिट्टी चढ़ी, आज तक कोई साफ सफाई का या कहीं भी कोई पशु कल्याण से संबंधित, मैं खुद प्रैक्टिकल देखता हूँ इसको। तो ये हाईकोर्ट की बात करें तो गंगा सिंह जी महाराज ने उस जमाने के अंदर हाईकोर्ट थी
और बाद में वो आजादी बाद जो है यहाँ से हट गई थी, वर्षों से जो है इसकी मांग चल रही है, जिसमें अभी 2,11,321 मामले जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, विचाराधीन चल रहे हैं। हाईकोर्ट की मांग ये कानून मंत्री होते हुए भी पूरी कर नहीं पाए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो रेलवे फाटकों की समस्या है वो यथावत बनी हुई है। हवाई सेवाओं की बात करो तो किसी भी महानगर से कनेक्टिविटी नहीं बनी है, और ये पिछले काफी अरसे से मंत्री बने हुए हैं, तो इन्होंने कौन सी, चलिए ये बता रहे हैं आप, ये बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का आधार क्या है, सिर्फ ये जो काम नहीं हो रहे उसकी नाराजगी के आप लोग भरोसे हैं कि लोग नाराज होंगे तो वोट कांग्रेस को देंगे? देखिए, बात हमारे प्रत्याशी की करें तो जो अभी लोकसभा में प्रत्याशी है, तो उन्होंने जो है खाजूवाला के अंदर स्कूलें कॉलेजेस और अन्य बहुत सारी समस्याएं उन्होंने जो है स्थापित की, वहां पे समस्याओं का निराकरण किया है। खाजूवाला में नगर पालिका स्वीकृत कराई है, फूकल को पंचायत समिति मुख्यालय बनाया गया है, इसके साथ ही 13 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा में खाजूवाला में तीनों तहसीलों मुख्यालय और उच्च शिक्षा कॉलेज खुलवाए गए हैं। प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। 15 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। 39 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं। 19 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के काम के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, आपका ये कहना है? सुरेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वर्षों से जो समस्या है वो मुंह बाहे खड़ी है, ठीक है। अर्जुन जी सहज भाव के हैं, लोगों से मिलते हैं, उसे खारिज प्रहलाद सिंह जी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात विकास की आती है। चौथा कार्यकाल के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 कार्यकाल वो कर चुके हैं, 2 बार मंत्री रहे। एक बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें कि हर मंत्री हर सांसद ये चाहता है कि मेरे वक्त की ये बड़ी उपलब्धि जानकारी में आए, सड़कें बनवाना हो, जल जीवन मिशन हो, मुझे लगता है तो कॉमन एजेंडा, ऐसी कोई बड़ी आप खूबी बता सकते हैं अर्जुन मेघवाल जी के कार्यकाल के, जिसके लिए कहा जा सके कि देखिए हमेशा के लिए एक मील का पत्थर साबित कर दिया है उन्होंने, ये एक माइलस्टोन उन्होंने दिया, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? निश्चित रूप से मैं बड़ी उपलब्धि की बात तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मेरे बड़े भाई प्रहलाद सिंह मार्शल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते यहाँ बात रख रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना उचित समझूंगा। जिन उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उन्हीं उपलब्धियों के रहते गोविंद मेघवाल जी विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उनमें 18,000 वोटों से खाजूवाला से चुनाव हारे हैं। अगर इन्हीं उपलब्धियों पर वोट मिलता तो खाजूवाला का चुनाव डिफीट नहीं करते। दूसरी, जो जिन मसलों पर ये बात कह रहे हैं हमारी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें ज्यादातर मसले राज्य सरकार के स्तर के हैं, चाहे तो रामपुरा बाईपास का इश्यू उठा रहे हैं, और चाहे पीने के पानी का है, और चाहे बॉर्डर की फैसिलिटीज का है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि बॉर्डर की जिले की दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और बड़े अंतराल से जीती है। कोलाई तो हम 33,000 से जीते हैं, और ये भी हम बड़े अंतराल से खाजूवाला जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन हम जीते हैं। राज्य सरकार की जो पिछले 5 साल में जो नकारा शासन रहा, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्रियों पे लगे, जी बड़े घोटाले हुए, जमीनों के बड़े समय हो चुका सर, मैं 30 सेकंड बड़ी अचीवमेंट की बात अगर आप करें, बड़ी अचीवमेंट की बात करें, और हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच, हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच एक बड़ी अचीवमेंट है। एयर कनेक्टिविटी हमारी बड़ी अचीवमेंट है। 29,000 करोड़ रेलवे राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, हवाई सेवा राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये जो फ्लाईओवर जितने भी जो हो रहे हैं ये राज्य सरकार के मुद्दे नहीं है, ये केंद्र सरकार के हैं। तो फिर ये एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खाजूवाला जिसको अनूपगढ़ में मिला दिया गया था और उन्होंने बाद में नया जिला बनाया अनूपगढ़, इस वजह से मुसलमानों में कुछ नाराजगी थी और वो नाराजगी के चलते 60 दिन धरने पे बैठे थे। मुसलमानों ने ये कहा कि साहब हम तो बदला लेंगे,
और बदला लेने के बदले प्रहलाद सिंह जी हम देखे समय का अभाव है क्योंकि 8 विधानसभा सीटें हैं, 6 भाजपा के पास में है, 2 कांग्रेस के पास में है। अगर 2023 के पलड़े की बात करें तो भाजपा का पक्ष वहां मजबूत दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस को यह भरोसा है कैंटीन कंबेंसी अर्जुन मेघवाल के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकती है, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन अब असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन चलते चलते बीकानेर के वासियों से जरूर कहना चाहेंगे कि अपने मतदान जरूर करिए। तो चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले लोकसभा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ हम नए अतिथियों के साथ मिलेंगे, जल्द होंगे हाजिर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।